खमागणी राम राम। मैं मनोज कुमार, मैं फिर से स्वागत है आप सभी का धाकड़ के एकेडमी की ओर से। तो पहले बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कार्बीन, कार्बीन्स क्या है, कार्बीन्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, स्टेबिलिटी क्या है, जनरेशन किस प्रकार से होता है, कार्बीन का हमने डिस्कस कर लिया था। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट इंटरमीडिएट, जिसका नाम होगा नाइट्रीन। जी हाँ, किसके बारे में? नाइट्रीन के बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए, नाइट्रीन क्या है, जिस प्रकार से हमारा कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन, जिस प्रकार से कार्बीन एज ए इंटरमीडिएट होते हैं, सिमिलरली उसी प्रकार से क्या हमारा भी एक जो नाइट्रीन है क्या इंटरमीडिएट है, और साथ ही ये हमारे रिएक्शन में बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, और क्या ये हमारा हाईली रिएक्टिव है, क्या है, हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और बहुत कम समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए हमारे रिएक्शन में नाइट्रीन बनता और फटाफट से क्या करता है, ये रिएक्शन कर लेता है। कार्बिन से भी कम स्टेबल है हमारा नाइट्रीन, क्यों होता है कार्बिन से कम स्टेबल, हम जान लेंगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जस्ट सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में है NH2, ये क्या हमारा एमाइड, क्या है बच्चों, एमाइड, राइट। देखिए, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, एसिड बेस रिएक्शन, अगर कहीं पर बेस हमने यूज किया है, साथ में एसिडिक प्रोटोन है, तो एसिडिक प्रोटोन बेस निकालेगा ही निकालेगा, सबसे फास्ट रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन। तो अगर यहाँ पर बेस है तो क्या क्या एसिड है, सॉरी जो एसिडिक प्रोटोन है क्या है यहाँ पर, अगर है तो बिल्कुल निकलेगा। यहाँ पर देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, अगर प्रोटोन यहाँ से निकलता है तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज क्योंकि स्टेबल है, तो ये प्रोटोन काफी आसानी से निकल सकता है, अगर निकल सकता है तो हमारे पास क्या है, एसिडिक प्रोटोन है, और एसिडिक प्रोटोन है तो निकलेगा भी, राइट। तो फिर क्या बनेगा यहाँ पर, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH-, राइट, क्योंकि बेस ने क्या किया, प्रोटोन को रिमूव कर दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ब्रोमीन और ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे सिग्मा स्टार में, ब्रोमीन के सिग्मा स्टार में क्या करेगा, अटैक करेगा और क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH और साथ में Br, राइट। अभी भी हमारे पास क्या सिस्टम में बेस है, और बेस है तो प्रोटॉन को फिर से निकालेगा, जैसे ही प्रोटॉन निकलेगा क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ नाइट्रोजन नेगेटिव और Br इज ए गुड लिविंग ग्रुप, है ना, क्या ये हमारा एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्या निकलेगा, ये Br- के फॉर्म में बाहर निकलेगा, क्या Br- के फॉर्म में बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, जैसे ही ये बॉन्ड निकलेगा नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साथ में ये दो इलेक्ट्रॉन, ये क्या हमारा नाइट्रीन, ये वाला जो स्पीसीज हमारा क्या है नाइट्रीन, हम इसे अगर हम बोलेंगे तो ये भी हमारा क्या है बच्चों, नाइट्रीन है, आर सी आर एन लोन पेयर, ये भी क्या हमारा नाइट्रीन, तो ये सभी क्या है नाइट्रीन से, ये वाला जो स्पीसीज है ये स्पीसीज हमारे क्या है नाइट्रीन इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये क्या हमारा नाइट्रीन इंटरमीडिएट है, तो इस स्पीसीज को हम बोलते हैं नाइट्रीन। अभी देखिए, अभी हमने देख तो लिया कि ये हमारा नाइट्रीन है, फिर हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, राइट, ये काफी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अभी होता है क्या, इसके आगे नेक्स्ट यहाँ से रीअरेंजमेंट होती है और आइसोसाइनेट बनता है, उसको हम आगे कवर कर लेंगे। अभी देखिए, नाइट्रीन जो है क्या बना हमारा, यानी कि अभी हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट था सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये है, राइट। देखिए, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, ये वाला जो पोर्शन आप नोट करेंगे तो क्या है, नाइट्रोजन हमारे क्या है मोनोवेलेंट, क्या है मोनोवेलेंट है, साथ में इस पे कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है,
और साथ ही क्या ये पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है? देखते हैं, चार्ज स्पीसीज नहीं है क्या, हमारी न्यूट्रल स्पीसीज है। क्या है बच्चों? न्यूट्रल स्पीसीज यानी कि हमारी जो कार्बिन है वो क्या होगी, एक न्यूट्रल स्पीसीज होगी, क्योंकि इस पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसीलिए हमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके पास क्या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके पास क्या सिर्फ और सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है और मोनोवेलेंट स्पीसीज है कौन, हमारे नाइट्रीन। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी हमारी क्या है, नाइट्रीन है। इसे देखना ज़्यादा आसान है आप लोगों के लिए, राइट, तो आप इसी को कंसिडर कर लीजिए। यहाँ पर भी देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रल स्पीसीज है और कितने हैं, मोनोवेलेंट स्पीसीज होती है। तो डेफिनेशन लिखेंगे आप नाइट्रीन की, क्या नाइट्रीन इज एन इंटरमीडिएट विच आर मोनोवेलेंट न्यूट्रल एंड 6 इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखेंगे आप 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लिखे डायरेक्ट, क्या है 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, राइट। तो नाइट्रीन इज एन इंटरमीडिएट विच आर मोनोवेलेंट न्यूट्रल एंड 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स की ब्रैकेट में आप आगे लिख सकते हैं प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम, या फिर प्रेजेंट के प्लेस पे आप लिख सकते हैं कंटेनिंग ऑन नाइट्रोजन एटम, प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डेफिनेशन आप अपनी नोटबुक में क्या कर ले, नोट कर ले नाइट्रीन की डेफिनेशन, ठीक है। हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक, इसलिए क्या होता है, काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसको फटाफट से नोट कीजिए। फिर चलते हैं हम इसकी जनरल प्रॉपर्टीज पे कि नाइट्रीन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, रफ कर दें इसको। अब देखिए हमें जनरल आइडिया मिल चुका है कि नाइट्रीन क्या है, और उसी से अब जो है हम इसके टाइप्स को और इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको डिराइव करने वाले हैं। जो सपोज हमारे पास एक नाइट्रीन ये है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और एक नाइट्रीन है हमारे सिमिलर, जिसको हमने कुछ इस प्रकार से शो किया दिया, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, दैट मींस अगर हम इसके ऑर्बिटल्स को फिल करें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हो। ये वाला कौन सा, हाइड्रोजन के साथ, ये हमें क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक क्या है, ये इसे हम बोल सकते हैं रेडिकल्स, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम इस प्रकार से फिल करें, सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दें, पेयर कर दें, ये है हमारा हाइड्रोजन, ये है हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, और साथ में जो बॉन्ड के ब्रेक करने से जो इलेक्ट्रॉन्स बने थे उनको भी क्या कर दिया हमने, पेयरिंग करवा दिया, तो ये भी क्या हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट है। अगर हम बच्चों इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें, क्या निकालें, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जैसा कि हमने कार्बिन के समय निकाला था, तो सिमिलर अगर हम उसी तरीके से यहाँ पर इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाले, किससे निकलेगी, 2s+1 से, 2s+1। अगर हम यहाँ पर इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एस का मतलब क्या है, स्पिन, स्पिन, अगर स्पिन इलेक्ट्रॉन अप डायरेक्शन में है तो उसकी स्पिन क्या होगी, 1/2 + 1/2, और अगर डाउन द डायरेक्शन में है तो उसकी स्पिन क्या होती है, -1/2। यहाँ पर देखिए दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, ये क्या +1/2 और ये क्या -1/2, कैंसिल होकर के 0, +1/2 -1/2 कैंसिल हो गई 0, ये क्या +1/2 +1/2, दोनों ही क्या अप डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पिन क्या होगी, एड हो जाएंगे, क्या है +1/2 + 1/2, 1, स्पिन कितनी होगी बच्चों यहाँ पर 1, तो 2s+1, 2 × 1 + 1 कितना हुआ 3। तो यहाँ पर स्पिन आती है हमारे पास अगर इस प्रकार का केस हो जिसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो उस केस में क्या होंगे, स्पिन हमारी 3 आने वाली। अगर हम यहाँ पर देखें स्पिन 2s+1 की वैल्यू देखें, स्पिन क्या है हमारी
देख ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, एक अप है एक डाउन है, तो प्लस हाफ माइनस हाफ कितनी हो गई, जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो। क्या है यहाँ पर, स्पिन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टू मल्टीप्लाई एस इज इक्वल टू क्या हो गई, जीरो हो गया, तो क्या होगा, जीरो प्लस वन, यानी कि जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, राइट। तो अगर इस प्रकार का केस हो जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, पेयर्ड हो, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो, पेयर्ड हो, और एक क्या हो हमारे पास, वेकेंट पी ऑर्बिटल, राइट, तो वहां पर क्या होगी, स्पिन वन होगी, और इसी स्पिन के बेसिस पे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे हमने नाइट्रिन्स को दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया फर्दर, जैसा हमने कार्बिन में किया था। ये है हमारा ट्रिपलेट नाइट्रीन, और यह है हमारा सिंगलेट नाइट्रीन। तो सिंगलेट नाइट्रीन में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा। ट्रिपलेट कार्बिन में एक भी वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं होगा, और क्या होंगे, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, साथ में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। किसमें, ट्रिपलेट नाइट्रीन में। इस चीज का ख्याल रखना आप लोगों को, ठीक है। अभी चले रफ करें इसको, चलिए जी फटाफट से इसको नोट कीजिए। देखिए, चलिए जी, अभी हमने क्या क्या निकाल लिया, इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट किया है कि जो नाइट्रीन है वो दो टाइप का होता है, ट्रिपलेट, क्या है, ट्रिपलेट और सिंगलेट, ये दो टाइप का क्या हमारे पास नाइट्रीन है, क्लियर है। और ट्रिपलेट नाइट्रीन में हमारे पास कुछ ऐसा है, 2 3 4 5 6, और यहां पर हमारे पास कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे स्पिन क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू जीरो और स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 3, राइट। इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर 2s+1, ये क्या है हमारी 2s+1, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 1 और 3, राइट है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आई होप, आई थिंक आपको नहीं होगी, क्लियर। यहाँ पर देखिए दो क्या है, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, देखिए हमारा नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, लोन पेयर, और क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स। अगर सिचुएशन कुछ ऐसी रहे तो क्या हम इसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं क्या, आप इसकी ज्योमेट्री को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है हाइड्रोजन, देखिए हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि बॉन्ड पेयर्स हैं, और ये क्या हमारे लोन पेयर्स हैं। तो बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। यहाँ देखिए ये है हमारे हाइड्रोजन, यानी कि ये क्या हमारा बॉन्ड पेयर, ये है हमारा लोन पेयर, और ये भी है हमारा लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, दैट मीन्स sp3 हो, sp2 होना चाहिए, और यहाँ क्या होना चाहिए, sp हाइब्रिडाइजेशन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, क्लियर है यहाँ तक का। तो आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, इसको रफ कर देते हैं, नाइट्रोजन लोन पेयर्स और हाइड्रोजन, साथ में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि सेम डायरेक्शन में हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। दैट मीन्स यहाँ पर ज्योमेट्री क्या हो गई, लीनियर ज्योमेट्री, क्या है बच्चों, लीनियर है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर, sp हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। अरे हाँ, ये ना बोल, एंगल की बात करें तो कितना है, 180 डिग्री एंगल, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री एंगल होता है। अच्छे से क्लियर है यहाँ तक। तो ये है हमारी ज्योमेट्री ऑफ द ट्रिपलेट नाइट्रीन। यहाँ अगर हम देखें क्या है बच्चों, सिमिलर वही है, हाइड्रोजन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। तो क्या है, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि हम इनको बॉन्ड पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। सो क्या होगा यहाँ पर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, क्या है बच्चों, नाइट्रोजन
हाइड्रोजन, एक वेकेंट ऑर्बिटल है जो कि क्या होगा हमारे इस बॉन्ड पेयर का क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, साथ में यहाँ पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे भी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2, और sp2 है दैट मींस क्या है ट्राइगोनल प्लेनर, क्या है हमारे ये प्लेनर स्ट्रक्चर है किसकी, सिंगलेट कार्बन की। इसमें एक क्या होगा हमारे वेकेंट p ऑर्बिटल होगा, क्या ये p ऑर्बिटल जो कि क्या है हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होगा। क्लियर, तो ज्योमेट्री दोनों की क्या आप लोगों को समझ में आ चुकी है, मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। क्लियर है यहाँ तक आप फटाफट से नोट करें फिर इसको रफ करते हैं, हो गया। चलिए अभी देखें, अब हम इनकी कुछ जनरल और भी प्रॉपर्टीज को डिराइव करेंगे, धीरे 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 अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए जरा यहाँ पर देखिए, इस स्पीसीज में आपको क्या लगता है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस स्पीसीज में हमारे पास क्या है दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट मींस हमारे ये स्पीसीज क्या होगी डाया या फिर पैरा मैग्नेटिक करेक्टर क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा पैरा मैग्नेटिक करेक्टर, पैरा मैग्नेटिक करेक्टर। ठीक है, और साथ ही अगर पैरा मैग्नेटिक करेक्टर है तो क्या ये ESR एक्टिव होगा, तो बिल्कुल हमारा स्पीसीज क्या होगा ESR या फिर EPR एक्टिव। जबकि ये स्पीसीज की बात करें तो क्या है कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई भी सिंगलेट यानी कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर सिंगलेट कार्बिन में नहीं है, नॉट सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट नाइट्रीन में एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या है ये हमारी स्पीसीज, क्योंकि सारे के सारे क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर सारे पेयर्ड हैं दैट मीन क्या है ये हमारी स्पीसीज डाया मैग्नेटिक करेक्टर की होगी, क्या होगा बच्चों डाया मैग्नेटिक, राइट, और डाया मैग्नेटिक है दैट मीन्स क्या है ये ESR या फिर EPR इनएक्टिव, राइट, डाया मैग्नेटिक है दैट मीन्स ESR या फिर EPR इनएक्टिव। अभी देखिए क्योंकि ये स्पीसीज हमारी क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि टाइप्स तो कार्बन नाइट्रीन्स के ही है ना, टाइप्स तो नाइट्रीन्स के ही है, तो दोनों स्पीसीज क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, दैट मीन्स क्या इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, बोथ स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये भी एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सके करेगा, क्योंकि दोनों में क्या इलेक्ट्रोफिलिक है, ये भी क्या हमारा इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक है और ये भी क्या है बच्चों हमारा इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज, राइट। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारा ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल है या फिर सिंगलेट कार्बिन, सॉरी नॉट ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट नाइट्रीन ज्यादा स्टेबल है या फिर सिंगलेट नाइट्रीन ज्यादा स्टेबल है, जरा फटाफट से आप बताएंगे हमें और सोचेंगे जरा आप खुद, थोड़ा माइंड को दौड़ाएंगे घोड़े की तरह ताकि माइंड साफ हो आप लोगों का, राइट, तो सोचिए फटाफट से, जस्ट 1 मिनट आप लोगों के लिए फटाफट से सोचिए कि ट्रिपलेट का जो ट्रिपलेट नाइट्रीन है वो ज्यादा स्टेबल है या फिर सिंगलेट नाइट्रीन ज्यादा स्टेबल है, हो गया। चलिए अब जिसको आ चुका है जिन्हें आंसर मिल चुका है बहुत अच्छी बात, और जिनको नहीं मिला सुनी, देखिए नोट करते हैं इसको, देखिए जो देखिए हम यहां पर अगर देखें क्या है इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 और 6, हमने क्या किया पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया, देन उसके बाद क्या की है पेयरिंग की है, राइट। यहां पर देखो यहां पर आप देखें 1 2 3 4 5 और 6 और क्या एक वेकेंट ऑर्बिटल है ना, तो यहां पर जो है बच्चों हुंस रूल आपने पढ़ा होगा, हुंस रूल, हुंस रूल क्या कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम फिल करना स्टार्ट करें तो क्या होगा वो
हर एक ऑर्बिटल में पहले सिंगल सिंगल फिल किया जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सिंगल सिंगल फिल होंगे, देन उसके बाद उनकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। सिंगल फिल करने से पहले हम उनकी पेयरिंग को नहीं करवा सकते। क्यों पेयरिंग क्यों नहीं करवा सकते, रीजन क्या है पेयरिंग नहीं करवाने का? देखो अगर हमने पेयरिंग करवाई है यहाँ पर, जस्ट सपोज कि हमने यहाँ पर पेयरिंग करवा दी है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और अगर ये एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है दैट मीन्स तो रिपल्सन तो होना है, और रिपल्सन होगा तो फिर एनर्जी इंक्रीज करेगी सिस्टम की, और सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है तो फिर वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है दैट मीन्स क्या हुक्स रूल को तो फॉलो करता है, ये क्या कर रहा है, हमारे वैकेंट ऑर्बिटल होने के बावजूद भी क्या हो रही है यहाँ पर, पेयरिंग हो चुकी है जो कि हुक्स रूल को फॉलो नहीं करता है, राइट। इसी वजह से क्या है यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पेयरिंग की वजह से एनर्जी इंक्रीज कर चुकी है, और एनर्जी इंक्रीज कर चुकी है दैट मीन सिस्टम अनस्टेबल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन नहीं है, और रिपल्सन नहीं है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है कम है, एनर्जी कम है स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसीलिए क्या होगा बच्चों, जो ट्रिपलेट ट्रिपलेट नाइट्रीन है वो ज्यादा स्टेबल है सिंगलेट नाइट्रीन से, ये ऑर्डर लिख लीजिए फटाफट से। तो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिएगा कि ट्रिपलेट नाइट्रीन सिंगलेट नाइट्रीन से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा एक और मस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि हमने डिस्कस किया था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कार्बिन और नाइट्रीन में से ज्यादा स्टेबल होता है कार्बिन, क्यों, रीजन देखिए। देखिए जो नाइट्रीन्स हैं हम इसको क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स। कार्बिन क्या होता है, हाइड्रोजन सी इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन, ऐसा ही होता है। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर भी होंगे और दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी होंगे, तो इनकी वजह से तो कोई हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन डिफ्रेंशिएट क्या कर सकते हैं यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीज करती है तो फिर क्या होगा सिस्टम अनस्टेबल होगा, इसी वजह से क्या नाइट्रीन इज द लेस स्टेबल कंपेयर टू कार्बिन। क्लियर है यहाँ तक का, अच्छे से, नो डाउट, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक, और आई होप आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका होगा, क्लियर है यहाँ तक का। अरे हाँ या ना बोल, चलिए बहुत अच्छी बात। अभी देखिए अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल से हम इसकी स्टेबिलिटी को भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए अच्छा एक और चीज कि हम जो नाइट्रीन है उसको कैसे ट्रैप करते हैं, है ना, क्योंकि ये काफी अनस्टेबल होता है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमारे सिस्टम में इंटरमीडिएट के फॉर्म में या फिर रिएक्शन के दौरान एज इंटरमीडिएट के फॉर्म में हमारे पास नाइट्रीन प्राप्त हुआ है, क्योंकि नाइट्रीन प्राप्त हुआ है तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो नाइट्रिन ही इंटरमीडिएट है ना, नाइट्रिन इंटरमीडिएट था हमारे रिएक्शन में, हमें पता कैसे चलेगा, तो उसको ट्रैप करने के कुछ तरीके होते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि पीएच या फिर पीएच नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इसके आप क्या करवा दो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवा दो, और नेगेटिव चार्ज क्या करवा दो कार्बन मोनोऑक्साइड से आप रिएक्शन करवा दो, क्या है देखिए अभी क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन से कार्बन से, क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो क्या हुआ यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन क्या हो ऑक्सीजन क्या हो गया न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल हो गया तो क्या होगा यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज है ही, इस बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है यहाँ पर, यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो गई यहाँ पर, यानी कि कार्बन क्या हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या हुए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हुए न्यूट्रल, और क्या बना हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दो इलेक्ट्रॉन्स,
राइट है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और क्या बनाएगा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, पीएच नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये स्पीसीज क्या हमारी, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, ठीक है। तो अगर रिएक्शन में, रिएक्शन के द्वारा हमें आइसोसाइनेट प्राप्त होता है, रिएक्शन के बीच, रिएक्शन में हमें अगर आइसोसाइनेट प्राप्त होता है, तो उसका मतलब है कि हमारे रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन था, नाइट्रीन था। क्या था, नाइट्रीन। तो इससे हमें मालूम चलेगा कि हमारी रिएक्शन में एजी इंटरमीडिएट के फॉर्म में कौन था बच्चों, शाबाश, कौन था, नाइट्रीन था। राइट। और एक और चीज है कि अगर हम इनकी एल्कीन से रिएक्शन करवा दें, जैसे कि नाइट्रोजन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन्स है, किससे करवा दें हम इसकी रिएक्शन, एल्कीन से, तो क्या बनेगा यहाँ पर, एक साइक्लिक रिंग बनेगी, थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी, राइट, इस प्रकार से। तो ये भी क्या, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हमारी एक साइक्लिक रिंग है, और ये भी क्या हमारा ट्रिप हो चुका है। अगर ऐसा कोई सिस्टम अगर मिलता है सिस्टम में, दैट मींस क्या हमारा एज इंटरमीडिएट के फॉर्म में कौन था, नाइट्रीन। क्लियर है यहाँ तक का, अच्छे से। चलिए अभी देखते हैं इसका स्टेबिलिटी का कुछ। देखिए नाइट्रीन में जो है रिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, रिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, कैसे जरा दिए उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं जो स्टार्टिंग में हमने किया था, जैसे कि आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड एनएच2, क्या है Br2 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। और हमारे पास क्या बना था, वापस से स्टार्टिंग से पूरा ही कर लेते हैं, डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक प्रोटॉन किसने लिया, बेस ने लिया। जैसे ही बेस एक प्रोटॉन लेगा, ये क्या करेगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या करेगा, सिग्मा स्टार ऑफ ब्रोमीन में क्या करेगा, सिग्मा स्टार ऑफ Br2 में क्या करेगा, ये अटैक करेगा और क्या बनाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ब्रोमीन। क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, प्रोटॉन अभी भी बेस है हमारे पास, NaOH तो है ही सही, क्या करेगा प्रोटॉन को रिमूव करेगा, क्या बनाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर से है नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे है ब्रोमीन। अभी क्या होगा, ब्रोमीन इज द गुड लिविंग ग्रुप, क्या है हमारा गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या करेगा ये Br- के फॉर्म में रिमूव होगा, Br- के फॉर्म में बाहर निकलेगा, क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में है हमारा नाइट्रीन, राइट, ये हमारा क्या है, नाइट्रीन, क्या है बच्चों, नाइट्रीन। अब क्या होगा यहाँ पर, रीअरेंजमेंट होगा, इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, इस बॉन्ड का, इस वाले बॉन्ड का क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, क्या बनेगा यहाँ पर, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे बना रेडिकल, साथ में नाइट्रोजन लोन पेयर्स, और ये क्या है हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स, राइट, प्लस साथ में क्या है हमारे पास, आर रेडिकल। क्लियर है यहाँ तक का, अच्छे से, कुछ नहीं किया यहाँ से हमने, क्या किया इसका होमोलिटिक क्लीवेज किया, और जो स्पीसीज बनी है वो हमने यहाँ पर मेंशन किया। अभी देखिए ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो क्या बनाया यहाँ पर, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और आर, ये क्या हमारा आइसोसाइनेट, ठीक है, ये भी हमारा क्या है बच्चों, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट। तो इस प्रकार से क्या है, जो नाइट्रीन है वो क्या होगा यहाँ पर, हल्का सा क्या हुआ, स्टेबल हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इसकी रिएक्शन वाटर से करवा देते हैं, H2S से करवा देते हैं, क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारा कार्बिन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ अटैक करने वाला है, और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सी ओ एच पॉजिटिव चार्ज, साथ में डबल बॉन्ड N और R, कुछ इस प्रकार से बनाएगा, राइट। अभी क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, ये रिमूव यहाँ से, जैसे यहाँ से रिमूव होगा क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, राइट, पॉजिटिव चार्ज हटेगा, अब क्या होगा, ये बॉन्ड फर्दर यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे, क्या बना, आर नाइट्रोजन हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड
हमारी क्या होती है अनस्टेबल होती है, क्या होती है अनस्टेबल होती है राइट। और अनस्टेबल है तो अगर हमने इसको हीटिंग कंडीशंस प्रोवाइड करवाई है तो क्या निकलेगा यहाँ से, देखिए ऑक्सीजन है ये लोन पेयर यहाँ पे और ये यहाँ पे, यानी कि CO2 बाहर निकला और क्या बन गया हमारे पास RNH2, क्या बन गया RNH2, यानी कि एमीन जो है हमें फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में प्राप्त हो चुका है राइट। तो इस प्रकार से जो है आप क्या करेंगे यहाँ से CO2 को निकाल सकते हैं, क्या निकलेगा यहाँ से माइनस CO2 बाहर निकल जाएगी, क्योंकि क्या हमारा इसका ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि यहाँ से गैस बाहर निकल रही है, गैस रिमूव हो रही है राइट। तो यही है आज का लेक्चर में बस समाप्त करते हैं यहीं पर, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इंटरमीडिएट के साथ, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब देख लेते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ जय किसान जय भारत वंदे मातरम।